नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सा स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास अपडेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का T20 सीरीज खत्म हो चला है। भारतीय टीम ने सीरीज 2-0 से गंवा दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहला मैच 7-3 विकेट से जीता, उसके बाद दूसरा T20 मैच 7 विकेट से जीता। शानदार तरीके से दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया टीम की बल्लेबाजी देखने को मिली, खास तौर पे ग्लेन मैक्सवेल शानदार फॉर्म में थे। पहले मैच में भी उन्होंने अर्धशतक लगाया था, दूसरे मैच में शतक जड़ दिया और यहाँ पे भारतीय टीम से जीत छीन ली। तो चलिए आपको बताते हैं कैसा रहा दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी और टीम इंडिया की गेंदबाजी। 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहला झटका लग गया दूसरे ओवर के दूसरी गेंद पे। यहाँ पे मार्कस स्टोनिस जो ओपनिंग करने आए थे यहाँ पे आउट हो गए। सिर्फ 7 रन बनाकर मार्कस स्टोनिस आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका 13 रन पे लगा। वहीं डासी शॉट के साथ मार्कस स्टोनिस बल्लेबाजी करने उतरे थे। मार्कस स्टोनिस 11 गेंदों का सामना किए, 7 रन बनाए, 1 चौका जड़ा। वहीं उसके बाद दूसरा झटका भी ऑस्ट्रेलिया को बहुत जल्द लग गया था। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाने में कामयाब रही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कप्तान एरॉन फिंच आउट हो गए चौथे ओवर में। दूसरा झटका लगा 22 रनों पे। कप्तान एरॉन फिंच का बल्ला एक बार फिर से शांत रहा। 7 गेंदों का सामना किया एरॉन फिंच ने, 8 रन बनाए और 1 चौका जड़ा। लेकिन दूसरी तरफ से डासी शॉट अभी भी ग्राउंड पे थे और ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन साझेदारी हुई। शानदार पारी खेली इन दोनों बल्लेबाजों ने। डासी शॉट ने 28 गेंदों का सामना किया, 40 रन बनाकर आउट हो गए। यहाँ पे 6 चौके जड़े थे डासी शॉट ने। उसके बाद जो तीसरा झटका है डासी शॉट के रूप में लगा यहाँ पे 95 रनों पे। एक अच्छी साझेदारी दिखी 11वें ओवर के पहले गेंद पे, डासी शॉट का विकेट गिरा 95 रनों पे। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के हाथ कोई विकेट नहीं लगा। ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे पीटर हैंड्सकॉम। ग्लेन मैक्सवेल जो शानदार फॉर्म में थे, पहले तो 50 गेंदों में इन्होंने शतक पूरा किया, उसके बाद 55 गेंदों में 113 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इस बेहतरीन पारी में 9 छक्के जड़े ग्लेन मैक्सवेल ने, 7 चौके जड़े और 113 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं पीटर हैंडस्कॉम भी शानदार लय में नजर आए। एक तरफ से जहां ग्लेन मैक्सवेल शानदार तरीके से धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से पीटर हैंडस्कॉम रुक के खेल रहे थे। 18 गेंदों का सामना किया हैंडस्कॉम ने, 20 रन बनाए और 1 चौका जड़ा। वहीं भारतीय गेंदबाजों को 11वें ओवर के बाद कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हम उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय गेंदबाज अब विकेट निकालेंगे, लेकिन ऐसा संभव हुआ नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 3 विकेट गंवाए और ये मैच अपने नाम कर लिया 7 विकेट से। अब बात करते हैं भारतीय टीम की गेंदबाजी कैसी रही। भारतीय टीम यहाँ पे अपने 5 गेंदबाजों के साथ उतरी थी। विजय शंकर, जसप्रीत बुमराह, सिद्धार्थ कौल, युजवेंद्र चहल और कुणाल पांड्या। यहाँ पे जो सबसे अधिक किसी गेंदबाज की पिटाई हुई वो है युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 47 रन दिए, इनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। ग्लेन मैक्सवेल जिन्होंने पहले T20 मैच की बात कहा था कि मैंने चहल को टारगेट किया था, वहाँ भी चहल को ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत धोया था और इस मैच में भी ग्लेन मैक्सवेल ने चहल की बहुत धुनाई की। वहीं कुणाल पांड्या जरूर फॉर्म में दिखे, 33 रन दिए इन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी की, इनके हाथ भी कोई सफलता नहीं लगी। वहीं विजय शंकर जिनको पहले मैच में मौका नहीं मिला था, यहाँ पे मौका मिला, 4 ओवर की गेंदबाजी इन्होंने भी कराई, 38 रन दिए। पहला ओवर भी विजय शंकर ने ही डाला था और वहाँ पे 9 रन दिए थे पहले ही ओवर में। 2 सफलता विजय शंकर के हाथ लगी। वहीं जसप्रीत बुमराह एक बार फिर लय में थे, लेकिन इनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। 4 ओवर की गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने 30 रन दिए, कोई सफलता हाथ नहीं लगी। सिद्धार्थ कौल ने 3 ओवर और 4 गेंदे फेंकी, आखिरी ओवर यही डाल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया ने 2 गेंदे शेष रहे थे, ये मैच जीत लिया था 194 रन बना के, तो ये अपने ओवर कंप्लीट नहीं कर पाए। 45 रन दिए सिद्धार्थ कौल ने, 1 सफलता इनके हाथ लगी। भारतीय टीम ये मैच जीत सकती थी, लेकिन भारतीय टीम विकेट ना मिलने की वजह से ये मैच गंवाती। भारतीय टीम के यहाँ पे गेंदबाजों की भी कमी खली। ऑस्ट्रेलिया जहाँ 6 गेंदबाजों के साथ उतरी थी, भारतीय टीम को भी ज़रूरत थी कि वो एक गेंदबाज के साथ और उतरे, लेकिन यहाँ पे टीम मैनेजमेंट की गलती कहें या फिर विराट कोहली को ज़्यादा भरोसा अपने बल्लेबाजों या गेंदबाजों पर, भारतीय टीम ने ये सीरीज गंवा दिया। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो वनडे सीरीज
दो मार्च से शुरू होगा 5 मैचों का वनडे सीरीज है बेहद महत्वपूर्ण वर्ल्ड कप के नज़रिए से। यहाँ पे हम भारतीय टीम से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम ये वनडे सीरीज जरूर अपने नाम करेगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।